बायोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा पुमंग। कब हम लोग पढ़ेंगे जयांग और तब हम लोग पढ़ेंगे एक बीजांड न्यास। बीजांड न्यास देखो अब से पुमंग का एक क्या होता है या पुमंग के बारे में बताइए तो देखिए तुम सुनिए। पहले आप कहिएगा ना पुमंग नर भाग का एक नर जननांग का भाग होता है, याद करो पुमंग नर जननांग का क्या होता है भाग होता है, पहले तो याद रखेंगे। पुमंग जो होता है पुकशिरा से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है पुमंग, पुमंग पुकशिरा से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक पुकेसर जो फूल के नर जननांग होता है में एक तंतु होता है, एक पराग कोष होता है। पढ़े होंगे कि जितने भी पुकेसर होता है उसमें क्या होता है पराग कोष होता है और प्रत्येक पराग कोष प्राय द्विपालित होता है, माने दो भागों में बांटा होता है और प्रत्येक पाली में दो कोष्टक यानी प्रत्येक पाली में दो पराग कोष होते हैं। पराग कोष में परागकण होते हैं। बंद पुकेसर जनन करने में असमर्थ होता है। बंद का मतलब जगह आदमी बाँचपन हो जाता है, बाँच हो जाता है, बच्चा पैदा नहीं कर पाता वहीं उसमें भी, और वह एस्टेमिनाइड कहलाते हैं। देखो ना एस्टेमिनाइड, एस्टेमिनाइड ये बहुत अच्छा शब्द है और एस्टेमिनाइड के बारे में कोई पूछेगा तो जब किसी पुष्प में पराग कोष नहीं बनता है और वह पुष्प जो होता है परागकण की क्रिया नहीं करता है, पुंकेसर में जनन की क्रिया नहीं होती है तो उसको एस्टेमी नाइट कहते हैं। ये शब्द बहुत अच्छा है। अच्छा पुंकेसर फूल के अन्य भाग जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़ा होगा तो उसे दल लग्न कहते हैं। अच्छा आप ये बात तो जानते हैं कि पुंकेसर जो होता है नर भाग नर जननांग का भाग होता है और जब पुंकेसर दल से जुड़ता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग दल लग्न कहते हैं, जैसे बैगन वगैरह। यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हो तो उसे परिदल लग्न कहते हैं। किसे जुड़ा हो परिदल से, परिमा से बाहर वाला जैसे लिली। फूल में पुंकेसर मुक्त अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छा अथवा बंडल में हो तो हम उसे एक संघी कहते हैं। क्या कहते हैं एक संघी। अब पुंकेसर यदि दो बंडल में हो तो द्विसंघी। अब पुंकेसर यदि दो या दो से अधिक बंडल में हो तो बहुसंघी। और इसी फूल के तंतु को लंबाई में भिन्नता हो सकती है जैसे सेल्बिया अथवा। कुछ कुछ हम लोग जाने हमसे कोई पूछे तो इसके बारे में बता सकते हैं कि जो पुमंग होता है पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। पुंकेसर जो होता है वह पुष्प के नर जननांग का क्या होता है भाग होता है। पुमंग देखो पुमंग पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुमंग पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुंकेसर नर पुष्प के नर जनन अंग के भाग होता है। नर जननांग का क्या होता है भाग होता है। आगे लिखना पुंकेसर में एक पराग कोष होता है, एक पराग कोष होता है जो द्विपालित होता है, द्विपालित होता है जिसमें चार कोष्ठ चार लघु बीजाणुधानी के, सब आपको हमने पढ़ाया है चार लघु बीजाणुधानी के कोष्ठ होते हैं जिसमें पराग
परागकण बनते हैं, इसमें परागकण बनते हैं। आगे लिखना कि जिस पुष्प के पराग कोष में परागकण नहीं होते, परागकण नहीं होते उसे क्या कहते हैं, एस्टिमिनायड कहते हैं, उसे एस्टिमिनायड कहते हैं। यदि पुंकेसर दल से जुड़ा हो, दल से जुड़ा हो तो उसे दल लग्न कहते हैं, दल लग्न। यदि पुंकेसर परितल से जुड़ा जुड़ा तो उसे परी दल लग्न कहते हैं। याद करो सब लोग कि क्या क्या इसके गुण होते हैं। उमंग के उमंग पुंकेसर जब एक गुच्छा के रूप में होता है उसे एक संघी कहते हैं, जब दो गुच्छे के रूप में होता है या दो बंडल के रूप में होता है तो द्विज संघी, बहुत अधिक बंडल के रूप में होता है उसे बहुत संघी। ये भी तो नहीं लिख लेना कि जब पुंकेसर एक बंडल में होता है तो उसे एक संघी कहते हैं, दो बंडल में होता है तो द्विज संघी कहते हैं, बहुत अधिक बंडल में होता है तो बहुत संघी कहते हैं। से पूछे कि एक संघी का होता है तो आप कहेंगे कि जब उनके सर में मात्र एक बंडल हो, याद करो मात्र एक बंडल हो तो उसे एक संघी, दो बंडल हो तो उसे द्विसंघी, बहुत अधिक बंडल हो तो बहुत संघी कहा जाता है। उसे पूछे कोई थे चीज को बता सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। एक संघी का मतलब होता है कि जब पुंकेसर की संख्या कितनी हो, पुंकेसर बंडल के माने ये तीन प्रकार का होता है। एक संघी तो आप खुद लिखिएगा कि जब पुंकेसर एक बंडल में पाया जाता है, एक बंडल में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक संघी। जब द्विज संघी कहेगा तो पुंकेसर बहुत अधिक दो संघों में पाया जाता है या दो बंडलों में पाया जाता है, एक होता है बहुत संघी। जब पुंकेसर बहुत अधिक बंडल के रूप में पाया जाता है तो उसे बहु संघी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मतलब बहु संघी। लिख लीजिए सब लोग, आप हेडिंग बना लो जयांग। अच्छा जयांग माने होता है जनाना, जयांग माने जनाना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पुष्प के जो जनन भाग, जो स्त्री का जनन भाग होता है, जो माता का जनन भाग है उसमें ये पाया जाता है जयांग। जयांग में अंडप पाए जाते हैं, ये अंडप से मिलकर महोने होते हैं। और आपको याद होगा जयांग के तीन मुख्य रूप से भाग होते हैं, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक अंडाशय। याद है ना आपको, सबसे अंडाशय जो होता है फूला हुआ भाग होता है, नीचे पाया जाता है, और उसी अंडाशय में एक लंबी भाग होती है। इस तरीके थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे फूला हुआ जो भाग होता है उसको इसको क्या कहते हैं हम लोग, अंडाशय। लंबा सा नली जो होती है इसको वर्तिका कहते हैं, इसको अंडाशय कहते हैं। और सबसे ऊपर आप देखेंगे कि इस तरीके का अनेक संरचनाएँ दिखाई देती है आपको इस तरीके के, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। इसी के अंदर बीजांड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बीजांड। तो ये देखिए वर्तिकाग्र वगैरह सब आप जान गए, वर्तिकाग्र के ऊपर कहाँ आकर गिरते हैं याद है ना आपको, पराकण आकर के इसी वर्तिकाग्र खुफ पर गिरते हैं। हालांकि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में एक या एक से अधिक
बीजांड पाए जाते हैं। हालांकि बीजांड जो होता है चपटे और गद्देदार बीजांडासन से जुड़े होते हैं। जब एक से अधिक अंडप होते हैं तो उसे हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। जैसे मान लो कि बीजांड व बीजांड में एक से अधिक अगर अंडप हैं तो आप इसमें कह सकते हैं कि अंडप के तीन भाग होते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक अंडप पाए जाते हैं तो उसको बी युक्ता अंडपी कहते हैं। बी युक्ता अंडपी कहते हैं बी। अच्छा, ये सब आपको याद रखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से निषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय किसमें बदलता है, फल में बदलता है। तो लिख लो जया के बारे में यह मादा जनन अंग का मुख्य भाग होता है। मादा जनन का मुख्य भाग होता है। यह अंडकों से मिलकर बना होता है। अंडप अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। फुला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इसके ऊपर एक लंबा और पतली नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। इसी को ऊपर वर्तिकाग्र पाया जाता है जो परागकण को एकत्रित करता है। सब तो याद होगा तुम लोग पहले के पढ़े होगे, याद है कुछ बात हाँ। लेकिन अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। अनिषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में बदल जाता है। याद करो अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बदल। बना सकते इस तरीके से। चलो बाकी रमनी के कल आपको पढ़ाएंगे। बीजांड डांस वही होता है बीजांड के बारे में। यार से पूछे तो बता सकते हो कि कहाँ होता है ये।